हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द सेकेंड लेसन ऑफ योर इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो एंड द सेकेंड लेसन नेम इज लॉस्ट स्प्रिंग। इट इज टेकन फ्रॉम स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड दैट इज रिटन बाय अनीस जंग। अबाउट द ऑथर, अनीस जंग 1964 was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. Anish Jang ka janm 1964 ko Rourkela mein hua tha and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. Aur unhone apna bachpan aur avivahit avastha Hyderabad mein bitaya. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा हैदराबाद में और संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके माता पिता दोनों लेखक थे। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया। अनीस जंग ने अपने लेखक का जीवन भी भारत में ही शुरू किया। सी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। वह महत्वपूर्ण भारत के महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में एंड अब्रॉड और विदेश के महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में उन्होंने संपादक का कार्य किया और लेख लिखने का कार्य किया एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और कई किताबें लिखी। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये जो कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक लॉस्ट स्प्रिंग है, यह पुस्तक भी उनकी स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से ली गई है, यह लेसन लिया गया है। हेयर सी एनालाइज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन। इस पाठ में वह पिसती हुई गरीबी और परंपरा पर का विश्लेषण करती हैं। विच कंडेम दी चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो बच्चों के द्वारा जिए जाने वाले शोषण में या शोषित जीवन की निंदा करती हैं। दिस लेसन इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज एंड सेकेंड इज आई वांट टू ड्राइव अ कार। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। One more thing, let me tell you that who is who in this lesson? इस lesson में कौन क्या है? Anis Jung, she is the writer and also the narrator of Lost Spring. ये जो है लेखिका हैं और इस कहानी की narrator भी हैं, मतलब इस कहानी को वर्णन भी इन्होंने किया है। She has great sympathy towards the poor children who are mentioned in the lesson. उनके अंदर उन निर्धन उन गरीब बच्चों के प्रति बहुत ही संवेदना है, बहुत ही दया है, सहानुभूति है, जिनका इस पाठ में उल्लेख किया गया है। सेकंड जो हमारा करेक्टर है साहिबे आलम। साहिबे आलम इज अ रैग पिकर। वह एक रैग पिकर है। रैग पिकर मीन्स जो कूड़े करकट उठाते हैं। ही विद हिज फैमिली हैज लेफ्ट हिज होम ऑफ ढाका लॉन्ग अगो। उसने बहुत समय पहले अपने परिवार के साथ ढाका के अपने घर को छोड़ दिया है उसने। ही लिव्स एट सीमापुरी अ प्लेस ऑन द प्रेफरी ऑफ दिल्ली। वह दिल्ली के बाहरी सीमा का एक स्थान है जिसे सीमापुरी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर रहता है। हमारा जो थर्ड कैरेक्टर है वह है मुकेश। मुकेश वर्क्स इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर। मुकेश क्या करता है, एक बहुत ही अत्यधिक ताप वाली फैक्ट्री में या फर्नेस भट्टी में काम करता है। हिज होल फैमिली इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स इन फिरोजाबाद। उसका पूरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने के कारोबार में लगा हुआ है। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मकैनिक। वह मोटर मकैनिक बनना चाहता है। हमारा जो फोर्थ करेक्टर है वह है सविता। सविता इज अ यंग गर्ल। सविता एक युवा लड़की है, बालिका है,
हु इज वियरिंग अ ड्रैप पिंक ड्रेस, जो एक भद्दा गुलाबी रंग का कपड़ा पहने हुए है। सो अब हमें इसका जो पहला पार्ट है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे कूड़े करकट के ढेर में एक रुपये मिल जाता है, इसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. I asked Sahib, मैंने साहब से पूछा, जो मुझसे प्रत्येक सुबह, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह scrounging for gold, सोने को ढूंढता हुआ, in the garbage dumps ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में एकत्र हुए कूड़े के ढेर में सोने को ढूंढते हुए मेरी उससे मुलाकात हो जाती है। मैंने साहब से पूछा, जिससे प्रत्येक सुबह मेरी मुलाकात हो जाती थी, कब? स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में डंप किए हुए गार्बेज में सोना ढूंढते हुए। मैंने उससे पूछा, Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहब बहुत समय पहले अपना घर छोड़ चुका था। सेट amidst द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। सेट amidst द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे मैदान के मध्य में बसा हुआ उसका घर इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, बहुत दूर की याददाश्त नहीं थी। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, कई ऐसे तूफान आए जो उसके घर और उसके खेतों को बहा ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उससे बताती है, दैट्स वाई दे लेफ्ट, यही कारण है कि वे वहाँ से भाग निकले, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में सोना ढूंढते हुए, Where he now lives, जहाँ वहाँ रहता है। I have nothing else to do, he mutters, वह धीरे से कहता है, I have nothing else to do, मेरे पास करने के लिए कुछ और है भी तो नहीं। Looking away, दूर देखता हुआ। Go to school, I say, glibly, मैंने मजाकी ढंग से कहा, go to school, स्कूल जाओ। Realizing immediately how hollow the advice must sound, तुरंत यह महसूस करते हुए कि हमारी वो सलाह कितनी खोखली थी। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वे बनाएंगे, मतलब कौन, पड़ोसी लोग, जब वे बनाएंगे आई विल गो, मैं अवश्य ही जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, मैं आधा थोड़ा बहुत मजाक करते हुए मैंने पूछा, If I start a school, will you come? क्या मैं स्कूल चलाऊँ तो तुम आओगे? यदि मैं स्कूल चलाऊँ क्या तुम आओगे? As he says, smiling broadly, बहुत ही चौड़े से मुस्कुराते हुए वह बोला, हाँ। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? A few days later, कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि वह दौड़ता हुआ मेरे पास आया और पूछा, इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बैरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट। एम्बैरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, एक ऐसे वादे को करके, दैट वाज नॉट मीन्ट, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता था, ऐसे वादे करने पर शर्मिंदा होकर मैंने कहा, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल बनने में समय लगता है, बट प्रॉमिसेज लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन मेरे जैसे वादे उसके, इन द एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके खाली संसार में, संसार के कोने में कहीं ना कहीं भरा हुआ है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसे जानने के महीनों बाद, आई आस्क
हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिबे आलम ही अनाउंसेज, उसने बड़ी ज़ोर से कहा। साहिबे आलम ही डज नाट नो वाट इट मीन्स, उसे तो यह भी नहीं पता है कि उसका मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि उसे उसका अर्थ पता होता। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरी कायनात का मालिक। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीव इट, तो उसे इस पर विश्वास करना भी कठिन होता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अपने नाम के अर्थ से अनजान वह गलियों में अपने मित्रों के साथ भटकता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फूट बॉयज, नंगे पांव वाले बालकों के समूह में। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के पंछियों की तरह उपस्थित होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, ओवर द मंथ्स महीनों बाद आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उनमें से सबको पहचानने लगा। वाई अरंट यू बियरिंग चप्पल्स आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नाट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेफ, ही आंसर सिंपली, उसने बड़े सहज तरीके से जवाब दिया कि मेरी माँ उन्हें अलमारी से तो उतारती ही नहीं थी। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट अनदर हु इज वियरिंग सूज दैट डू नाट मैच। इवन इफ सी डिड, यदि वो उतार भी देगी, ही विल थ्रो देम ऑफ, वह उन्हें फेंक देगा। एट्स अंदर, दूसरे ने कहा हु इज बियरिंग सूज, जो जूते पहने हुआ था, और दैट डू नाट मैच, जो एक दूसरे से मैच नहीं खाते थे। मतलब उस दूसरे लड़के ने जवाब दिया जो बेमेल किस्म के जूते को पहने हुए था। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, जब मैंने उस पर टिप्पणी की तो उसने अपने पैरों को घसीटा। एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहता है, अपने पैरों को घसीटता है और कुछ नहीं कहता है। आई वांट सूज सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। आई वांट सूज सेज अ थर्ड बॉय, तीसरे लड़के ने कहा, जो अपने पूरे जीवन में कभी एक जोड़े का मालिक नहीं बन पाया था। उसने कहा आई वांट सूज, मैं जूते चाहता हूँ। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयर फूट, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे उस क्षेत्र में या उस पूरे प्रदेश में भ्रमण करते हुए मैंने देखा है चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयर फूट, बच्चों को नंगे पांव चलते हुए। इन द सिटीज, शहरों में। ऑन द रोड्स, ऑन द विलेज रोड्स, गाँव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फूट, यह पैसों का अभाव नहीं है बल्कि नंगे पांव रहने की परंपरा है। इज वन एक्सप्लेनेशन, एक ने व्याख्यान दिया। आई वांडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मैं विचार करता हूँ कि क्या यह केवल अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, निरंतर बनी रहने वाली गरीबी को समझाने से बचने का केवल एक बहाना है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक कहानी याद आती है जिसे उदीपी की एक व्यक्ति ने मुझे कभी सुनाया था। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल Where his father was a priest. As a young boy, एक बालक के रूप में वह एक मंदिर से होकर अपने स्कूल जाया करता था। Where his father was a priest, जहाँ उसके पिता एक पुजारी थे। He would stop briefly at the temple. वह थोड़ी देर के लिए उस मंदिर पर रुकता था। And pray for a pair of shoes, और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later, I visited his town. 30 years later, 30 वर्ष के बाद मैंने उस शहर का दौरा किया। एंड द टेम्पल, और उस मंदिर का। व्हिच वाज नाउ ड्राउंड
इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो अब उजाड़ हो गया था, इन द बैकयार्ड हुएर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, नीचे इन द बैकयार्ड आंगन में जहाँ की अब एक नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी, अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक बालक जो भूरे रंग के यूनिफॉर्म में था, बियरिंग सॉक्स एंड शूज, जूते और मोजे पहने हुए था, अराइव पैंटिंग, हाँफते हुए आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और एक मुड़ने वाले बेड पर अपने स्कूली बैग को फेंक दिया, लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, लुकिंग एट द बॉय उस बालक की ओर देखते हुए आई रिमेंबर्ड मैंने याद किया द प्रेयर उस प्रार्थना को, अनदर बॉय दूसरा लड़का हैड मेड टू द गॉडेस, अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, दूसरा लड़का जिसने देवी को बनाया था, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब वह अंततः एक जोड़ी जूते को पा गया था, लेट मी नेवर लूज देम, मैं उन्हें कभी नहीं खोने दूंगा, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज पेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया था, यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट, पुजारी के बेटे जैसे अन्य बालक भी अब जूते पहनते थे, बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन मेरे पड़ोस के कूड़े उठाने वाले बच्चों की तरह ही मैनी अदर्स अन्य बहुत से बच्चे रिमेन शूजलेस अभी भी बिना जूते के थे, माई एक्वाइंटेंस विद द बेयर फूट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, बेयर फूट रैग पिकर्स नंगे पैर कूड़ा उठाने वालों के साथ मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले गया, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की बाहरी सीमा पर पड़ता है, एक ऐसा स्थान जो दिल्ली के बाहरी सीमा पर पड़ता है, 8 miles अवे फ्रॉम इट, तो भी वहाँ से मीलों दूर है, मेटाफोरिकली अगर लाक्षणिक रूप से देखा जाए तो, दोज हु लिव देयर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो वहाँ पे रहते हैं वे 1971 में बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, स्क्वैटर्स जो वहाँ पर उस ज़मीन पर आकर के बस गए हैं या ज़बरदस्ती बस गए हैं, साहिबाज फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक है, सीमापुरी वाज देन आ विल्डनेस, सीमापुरी एक उजाड़ क्षेत्र था, इट स्टिल इज वह आज भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वह खाली नहीं है, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टॉपलिन डिवाइड ऑफ सेवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लाइव 10,000 रैग पिकर्स लिव 10,000 रैग पिकर्स इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड मिट्टी के स्ट्रक्चर्स में विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टार्पलिन चद्दर और तिरपाल की छतों में डिवाइड ऑफ सेवेज गंदगी से मुक्त ड्रेनेज नालियां, रनिंग वाटर बहता हुआ पानी, इन्हीं सभी के बीच लिव 10,000 रैग पिकर्स 10,000 कूड़े उठाने वाले रहते हैं, दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, दे हैव लिव्ड हीयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, वो बिना पहचान के ही वहाँ 30 वर्षों से अधिक समय से
रह चुके हैं विदाउट परमिट्स, बिना अनुमति के, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन राशन कार्ड की सहायता से, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, जिससे उनके नाम वोटरों में आ जाते हैं, वोटर लिस्ट में आ जाते हैं, एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और उन्हें अनाज खरीदने में समर्थ बना देते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, भोजन पहचान की अपेक्षा अधिक जीने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, यदि हम दिन के अंत में अपने परिवार को खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और बिना पेट दर्द के या बिना खाली पेट के हम बिस्तर पर जा सकते हैं या सो सकते हैं, तो वी वुड रैदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, उस फील्ड की अपेक्षा जो हमें कोई भोजन नहीं देती है उसकी अपेक्षा हम यहाँ पे रहना पसंद करेंगे। से अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड सारीज, फटी हुई साड़ियों को पहने हुए महिलाओं के एक समूह ने ये जवाब दिया। व्हेन आई आस्क देम, जब मैंने उनसे पूछा, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने क्यों हरे भरे मैदानों को और नदियों को और खूबसूरत देश को छोड़ दिया। व्हेनेवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांसिट होम्स, जब कभी उन्हें भोजन मिलता है तो वे अपने टेंट्स को, अपने तंबू को ही गाड़ देते हैं, दैट बिकम ट्रांसिट होम, जो अस्थाई घर बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उसी में बढ़ते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, वो जीविका चलाने में एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, सीमापुरी में रहने का मतलब है कूड़े उठाना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, इसने एक उच्च कला का रूप ले लिया था। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा उनके लिए सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, यह उनकी रोज की रोजी रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके ऊपर की छत है, उनके सरों के ऊपर की छत है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, चाहे वह टपकती ही क्यों ना हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए यह इससे ही बढ़कर कुछ है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, मैं कभी कभी उसमें 1 रुपये पा जाता हूँ। इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभी 10 रुपये, साहब से साहब कहता है। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आँखें चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, जब तुम्हें कूड़े करकट में चांदी का सिक्का मिल सकता है तो आप खोजना बंद नहीं करेंगे। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि दूसरे सिक्के को पाने की आशा बनी रहती है आप में। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, ऐसे लगता है मानो बच्चों के लिए कूड़ा इस बात से अलग अर्थ रखता है व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो अर्थ उनके माता पिता लगाते हैं, मतलब जो अर्थ उन रैग पिकर्स के माता पिता कूड़े से लगाते हैं उससे अलग अर्थ वो बच्चे कूड़े का लगाते हैं। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज रैप इन वंडर, बच्चों के लिए वह रहस्य में उलझा हुआ होता है। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए वह जीवन जीने का एक साधन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाई द फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन ठंडी में सुबह के समय मैंने साहेब को अपने पड़ोस के क्लब के मुख्य द्वार की दीवार के पास में खड़े हुए देखा। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, वह सफ़ेद वस्त्र को पहने हुए दो नवयुवकों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स, उसने बुदबुदाते हुए कहा।
आई लाइक द गेम, मुझे वह खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और दीवार के पीछे खड़े होकर के उसे देखना ही उसके लिए संतोषजनक था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई आसपास नहीं होता मैं अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द रैग द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, गेट कीपर मुझे झूलना झूलने देता है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहेब भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो उसके बेरंग शर्ट और शॉर्ट्स माने बेरंग कमीज और कच्छे पर अजीबोगरीब वो प्रतीत होते हैं। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसने स्पष्टीकरण देने के अंदाज में वह कहता है कि किसी ने उसे वो दिए थे। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बोदर मी। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड, बात यह है कि उन्हें किसी धनी लड़के ने फेंक दिया था। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जिसने शायद उन्हें पहनने से इसलिए मना कर दिया था। बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक में क्या हुआ था, होल हो गया था। डज नॉट बॉदर हिम, इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फूट, एक ऐसा व्यक्ति जो नंगे पैर चला हो। इवन सूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए तो एक सुराख या फटा पुराना जूता भी उसके लिए तो सपने साकार होने जैसा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जिस खेल को वह इतनी उत्सुकता के साथ देख रहा था वह उसकी पहुंच के बाहर था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर ऑन द नेक्स्ट डे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।